गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को फॉलो कर दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आइए जल्दी जल्दी फटाफट स्टार्ट करें। आप परीक्षा के दौरान कक्षा के इन्विजिलेटर का कार्य कर रहे हो, यानी कि निरीक्षण का कार्य कर रहे हो, तो उसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करोगे, बताओ। तो परिणाम की परवाह किए बिना उन्हें अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे। समाजीकरण का क्या अर्थ है? तो समाजीकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, बताइए। तो काम को पूरा करके दम लेना, पराजय को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, लक्ष्य ऊंचा रखना, यही प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन में सबसे अच्छा यही विकास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे, तो आप उन्हें क्या करेंगे, बताओ। तो स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, लेकिन आजकल के बच्चे इतने ढीठ होते हैं कि टीचर को काम करते छोड़ देंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है, जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। नारी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी एबिलिटी तथा रुचि इंटरेस्टेड के अनुसार कार्य करने की आजादी देना। विकलांगों को शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि क्या, तो चलिए, तो उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए, तो सादा जीवन उच्च विचार होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन का क्या अर्थ है, यानी कि क्रिटिकल, जो आपका क्या हमेशा क्रिटिसाइज करता हो, क्या अर्थ है। तो दोनों है, सकारात्मक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है तो या तो आप बन जाओगे, नहीं तो आप उनकी नेगेटिव बातों में आकर बिगड़ जाओगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका क्या मत है। तो अंशतः सही है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा टीचर ही बनना चाहता हो। जब आप कार्य करना आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं, तो कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। नेक्स्ट चलते हैं, पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य या भारतीय समाज संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति कैसी होती है, चलिए, तो ए और सी, विकसित की जा सकती है और स्व अध्ययन से बढ़ती है, कभी भी जन्मजात कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, स्कूलों में शिक्षक में असंतोष का प्रमुख कारण क्या होता है। तो प्रधानाचार्य की प्रबंधन समिति पर पक्षपात असंतोष का कारण होता है, होता है ना, कभी 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 क्या होता है, प्रिंसिपल उस टीचर को ज्यादा मानते हैं, उस टीचर को ज्यादा सैलरी देते हैं। चलिए, अध्यापक को अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा, यदि क्या, यदि उसके अंदर धैर्य हो, पेशेंस हो और जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, बताइए। तो विकास सामान्य से किसकी ओर बढ़ता है, तो विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो चलिए, इसी के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।